नौवें इंटरनेशनल योगा डे के मौका पर आज दुनिया भर में तकरीब मुनक्किद हुए, जिस दौरान लोगों ने न सिर्फ योग सेशंस में शमूलियत की बल्कि इस दौरान योगा से होने वाले फ़ायदों पर भी रोशनी डाली गई और इस बात का जिक्र हुआ कि किस तरह रोज़ाना ज़िंदगी में योग करने से आप अपने आप को ना जाने कितने किस्म की बीमारियों से दूर रख सकते हैं और जिस्मानी तंदुरुस्ती को भी यकीनन बना सकते हैं। इसी कड़ी में पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठाकुर शेर सिंह की क्यादत में जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल स्टेशन व पिकनिक स्पॉट पत्नीटॉप में एक योग सेशन का इनेकाद किया गया। इस योग सेशन में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शमूलियत की और इस दौरान ट्रेनर्स की तरफ से उन्हें योगा करवाई गई। इन ट्रेनर्स ने योगा से होने वाले फ़ायदों पर भी रोशनी डाली और तमाम लोगों से यही गुजारिश की कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को अपना एक मामूल बनाएं, क्योंकि योगा करने से वो खुद को कई किस्म की बीमारियों से दूर रख सकते हैं और जिस्मानी तंदुरुस्ती को भी यकीनन बना सकते हैं। पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठाकुर शेर सिंह ने इस मौका पर तमाम लोगों से यही गुजारिश की कि वो योगा को ना सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर देखें बल्कि योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मामूल के तौर पर आदत बना लें और इससे वो अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त बना सकते हैं और कई किस्म की बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि पत्नीटॉप जैसे मकाम पर आने वाले तमाम लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती का वैसे ही एक अच्छा अनुभव होता है, लेकिन योगा के ज़रिए वो इसको मजीद बढ़ोतरी दे सकते हैं। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है वो ये ना करें। आप नॉर्मल स्थिति पे आ जाएं, सेम जिस तरह से हमने पहले स्टार्ट किया था, आपके हाथ थाई के साथ होने चाहिए। सेम सांस लेते हुए दोनों भुजाएं इस तरह से अपने दोनों हाथ शोल्डर के साथ रखें और धीरे धीरे से कूनी पे पहले हमने पीछे की ओर किया था, अब हम उल्टा करेंगे। अपने हाथ पीछे की ओर से इस तरह से घुमाते हुए आगे की ओर लाएंगे। श्वास सामान्य ही रखेंगे आप और इस तरह से दो राउंड्स करेंगे। नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। अब आप 20 सेकंड्स का थोड़ा सा रेस्ट ले लें। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम कटी संचालन यानी कि आपकी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आप सब में पाँव में इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारा शोल्डर तक है। सभी का जितना शोल्डर है उतना आपने पाँव का डिस्टेंस रख लीजिए। धीरे धीरे से सांस लेते हुए हाथ सामने दोनों हथेलियाँ पे ही रहेगी और सांस लेते हुए सेम सांस लेते हुए लेफ्ट को ये वाला आसन नहीं करेंगे। सेम आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो ये शोल्डर जितना ना आपके पाँव में उतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना आपका शोल्डर है। धीरे धीरे से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए आपने नीचे बेंड होना है करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अब हम चलते हैं। वो पता है पटनी टॉप जो है एक्चुअली यहाँ सीईओ साहब जो पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उन्होंने एक कुछ दिन पहले हमसे गुजारिश की कि सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए पटनी टॉप में। तो ये फंक्शन सिर्फ एक सिंबल नहीं है, सिंबॉलिक ही नहीं है कि आज के दिन हमने योग किया। आप योग जो है वो एक्चुअल में लाइफ स्टाइल है और योग जो है जैसे हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो थोड़ा सा आप योग भी करेंगे तो योग से जो शरीर और दिमाग होता है उसका दोनों का बैलेंस होता है और शरीर और जो एक्चुअल में जो नेचर बोलते हैं उनका मिलन होता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी डेली एक्सरसाइज वगैरह करता हूं सुबह उठ के, और जब से मैंने योग को अपनी लाइफ में लाया है तब से मेरा जो शरीर है
और जो नेचर के साथ बैलेंस है वो बना हुआ है। दूसरा काम जो करता हूँ उसमें कोहरेंस बहुत ज़्यादा है, और आपकी लाइफ एक्चुअल में बहुत इम्प्रोवाइज होती है, बहुत निखरती है दिन ब दिन। और मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म में योग करते हैं तो सब ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो हम योग को अपनी लाइफ स्टाइल बना लें। उधमपुर से आए हुए ऑफिसर साहिबान, उनके साथ खेल दौरान मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों, जम्मू कश्मीर और बाहर से आए हुए सियात हजरात, आप सबको पत्नी टॉप के मुकाम पे पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का फंक्शन जो 9वें इंटरनेशनल योगा डे को लेकर मनाया गया, इसमें लीड रोल जो है डिप्टी कमिश्नर साहब उधमपुर का रहा, हमारी आयुष की टीम, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन उधमपुर, एजुकेशन डिपार्टमेंट उधमपुर, बच्चे, मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ। जैसा कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे की थीम जो है वो वसुदेव कुटुंब है, इसका मतलब ये दुनिया हमारा घर है, अर्थ इज आवर होम। तो इस मौके पे एक जो स्टेज से बार बार अपील की गई और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कहा कि योगा हमें सिर्फ इंटरनेशनल योग डे तक नहीं लिमिटेड करना है, हमें रोज करना है। मैं इस मौके पे अपने जो आयुष के ऑफिसर साहिबान हैं उनकी टीम है उससे मैं गुजारिश करूंगा कि हम मिलके एक मिशन चलाएंगे आने वाले टाइम में, ताकि इस मिशन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जब वसुदेव कुटुंब की बात होती है तो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे हदायत हुई और मेरे मन में भी था कि आज जो यूथ है उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, ये ड्रग्स की तरफ रागव हो रहा है तो इससे बचना है। अब ड्रग्स से जब बचने के लिए आपको अच्छा फिजिकल स्टाइल, अच्छी फिजिकल लाइफ जो है वो अडॉप्ट करनी है, तो इसके लिए एक बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म वो योगा है, खेल की दूसरी एक्टिविटीज हैं। मैं इस मौके पे यहाँ जितने भी ऑडियंस हैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इस मिशन को योगा, ड्रग फ्री सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी, जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मिशन था फिट इंडिया मूवमेंट, उसको आगे बढ़ाएं, अपने वातावरण को स्वच्छ और साफ रखें, आसपास जो गंदगी ना फैलाएं। पत्नीटॉप के मुकाम पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से आने वाले टाइम में हम इसको प्लास्टिक फ्री करने जा रहे हैं और उसमें आप सभी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि योगा आपको लियाकत देता है, सदाकत देता है, बाकायदगी देता है, और जिस जुनून के साथ आपने यहाँ योगा किया वो वाकई देखने के लायक था। आने वाले टाइम में हम मिलकर फिर इस तरह के इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।